छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ युवा डॉक्टर ने किया कमाल। बगैर ऑपरेशन के निकालते हैं बच्चों के गले से सिक्के। 3 सालों में 200 बच्चों के गले से सिक्के निकालने का किया रिकॉर्ड दर्ज। डॉक्टर साहब को सीएम तक कर चुके सम्मानित। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया पन्ना रोड छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ एक युवा डॉक्टर की ऐसी तकनीक निर्यात की है जिसमें बगैर ऑपरेशन के बच्चों के गले में फंसे सिक्के को निकाल लिया जाता है। भाई भी महज 2 मिनट के भीतर सिक्का गले से बाहर आ जाता है। इसमें ना तो चीरफाड़ होती है और ना बच्चे को दर्द होता है और सिक्का बाहर आ जाता है। छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर मनोज चौधरी ने 3 सालों में करीब 200 बच्चों के गले से सिक्के निकालने का काम किया है जिसकी वजह से उन्हें सीएम तक सम्मानित कर चुके हैं। और आज यह युवा डॉक्टर मनोज चौधरी सिक्के वाले डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान डॉक्टर मनोज चौधरी ने क्या कहा यह सुनिए। 3 साल से मैंने छतरपुर में 200 से भी अधिक बच्चों के सिक्के निकाले हैं और सभी बच्चे स्वस्थ होके ही गए हैं जो भी जिला अस्पताल में आए हैं। अभी क्या हुआ? जी अभी एक हरपालपुर क्षेत्र का एक बच्चा आया था 5 साल का जिसने 10 रुपये का एक सिक्का खा लिया था और उसके कारण उसका खाना पीना अवरुद्ध हो गया था और उल्टियां भी हो रही थी और बच्चे के गले में वो सिक्का आहार नाल में ऊपरी हिस्से में फंसा हुआ था। उसको अभी सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। जी बिना ऑपरेशन से ये सिक्का निकालने की एक नई तकनीक ये खुद ही ईजाद की गई है और इसको फॉलीस कैथेटर नाम की एक ट्यूब से बच्चों के गले में डाल के उससे ये सिक्का निकाले जाते हैं। सर इसको लेकर आपको कई जगह अवार्ड भी मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ अवार्ड मिला? जी इसके द्वारा माननीय कलेक्टर साहब द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा और माननीय सांसद जी बी डी शर्मा जी के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया जा चुका है। बच्चों के गले से सिक्के निकालने वाले डॉक्टर मनोज चौधरी के बारे में यहाँ पे बच्चे के पिता क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए। 10 का टन्ना खा लिया था तो मनोज चौधरी डॉक्टर ने निकाला है उसको बिना ऑपरेशन का निकाला। क्या तकलीफ होने लगी थी सिक्का खाने की? सिक्का खाने जो होगा तो उल्टी नहीं, उल्टी आती थी, उल्टी या उल्टी खाती थी, वो कुछ नहीं था, बस उल्टी उल्टी होती थी। पहले दिखाने गए अस्पताल कहीं नहीं, हमने गाँव दिखाया तो गाँव बुला के आप छतरपुर जाइए तो हम छतरपुर चले जाए अस्पताल। कितनी देर में निकाल दिए ये? उन्होंने लगभग 1 सेकंड ही निकालने में, 1 सेकंड नहीं लगा है निकालने के लिए। तो इस तरीके से डॉक्टर मनोज चौधरी उन बच्चों के दिलों में जगह बना चुके हैं जिन बच्चों के गले में सिक्के फंसे हुए थे और उन बच्चों के गले से सिक्के निकालने का काम जो इन डॉक्टर साहब ने किया है उसकी वजह से आज ये पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यही बात है कि इन्हें सीएम से लेकर सभी अधिकारी सम्मानित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।